हाय एवरीवन, मैं हूँ रुपिंदर और आपका स्वागत है स्वादिष्ट रसोई पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सोया चाप की इतनी टेस्टी रेसिपी। अगर आप अपने घर पर बनाएंगे तो आप अपने हाथों को चाटते रह जाएंगे और आप रेस्टोरेंट की सोया चाप खानी भी बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं सोया चाप के 4 रोल ले रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल फ्रेश है, तो जब भी आप लें ये देख लें कि वो बिल्कुल फ्रेश हो, उसमें कोई स्मेल ना आ रही हो। और अब इसके अंदर जो स्टिक है उसे हम हल्का सा घुमाकर निकाल लेंगे। तो आप स्टिक निकालते वक्त ध्यान रखें और हल्के से घुमाएँ ताकि जो हमारा रोल है वो फटे ना। तो इस तरह से हम सारी स्टिक्स को निकाल लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से धो लें आप। तो अब हम इन सोया चाप को काट लेते हैं। तो आप इन्हें थोड़ा मोटा ही काटें क्योंकि फ्राई होने के बाद ये बिल्कुल थोड़ी सूख जाएंगी अगर आप पतला काटेंगे। तो मैं इन्हें 1/2 इंच के डायमीटर के हिसाब से काट रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही काटें। अब देखिए, कटने के बाद इनमें जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम एक पैन में ऑयल गर्म करके सोया चाप को फ्राई कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर मीडियम स्लो से मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करें और उतनी ही डालें जितनी कि इसमें आराम से डल जाए, ताकि इन्हें चारों तरफ से अच्छी तरह से ये सिक जाएं और फ्राई हो जाएं। तो जब तक ये फ्राई होती है हम इनका मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 बड़े टमाटर, 8 से 10 कलियाँ ली मैंने लहसुन की, और यहाँ पर ले रही हूँ मैं 3 हरी मिर्चें, और यहाँ पर लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो यहाँ पर टमाटर को हम रफली चॉप कर लेते हैं और अदरक को भी इसी तरह से काट लेंगे हम। बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमने इन्हें ग्राइंड ही करना है। तो हरी मिर्चें भी हम काट लेते हैं और अब एक मिक्सर जार में हम इन्हें डाल लेंगे और इन्हें हम पीस लेंगे। अब इनका पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरह से। तो बस इस तरह का पतला पेस्ट हम बना लेंगे। और साथ में हम लेंगे 3 स्लाइस किए हुए प्याज और इन्हें भी हम फ्राई करेंगे। तो सोया चाप भी हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है और देखिए फ्राई होने के बाद ये कितनी फूली फूली हो गई हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है, लेकिन अब हम इसे थोड़ा सा टेंडर करेंगे। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मक्खन का बटर ले लेंगे हम, जो नॉर्मल बटर होता है हमारे घरों में, सॉल्टेड। और इसमें हम 3 बड़े चम्मच डाल देंगे उसके दही के, और साथ में मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। अच्छे से मिला देंगे इसे ताकि जो इसके ये मसाले हैं और मतलब कि जो मैरिनेशन है वो अंदर तक इसके चले जाए और इसके अंदर एक टेस्ट आ जाए। तो अब हम इसे मैरिनेशन के बाद रख देंगे जब तक कि हमारी ग्रेवी तैयार होती है, बस उतनी देर ही हम इसे रखेंगे। बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सोया चाप मैरिनेट होती है तो हम अपने प्याज जो हैं उन्हें फ्राई कर लेते हैं। इन्हें भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और फ्राई करने के बाद इनका भी हम पेस्ट बना लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। तो इन्हें आप अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो प्याज बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। 1 कड़छी ऑयल मैंने यहाँ पर लिया और इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा 1 चम्मच, 2 ले रही हूँ मैं यहाँ पर तेज पत्ते, 2-3 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का। इन्हें हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे और अब डाल देंगे टमाटर जो पीसा था हमने। इसमें पानी बहुत होता है तो जब आप डालें तो बहुत ध्यान से डालें कि छींटे आपके ऊपर ना आए। तो अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लेंगे हम। तो यहाँ पर टमाटर को हम भूनेंगे बहुत ही प्यार से और बड़े आराम से टाइम लगाकर, ताकि इसमें अच्छी तरह से टेस्ट आ जाए और इसमें से ऑयल अलग हो जाए। तो हम जार में थोड़ा सा पानी डालकर जो मसाला है वो भी निकाल लेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम इसमें। तो ध्यान से डालें क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी नमक डाला था। तो अब हम इसे भूनेंगे मीडियम से हाई फ्लेम पर। टमाटर बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, इसमें से ऑयल अलग हो गया है और इसमें जो बबल्स आ रहे थे वो भी आने बंद हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पर
सारे मसाले जो मैंने लिए थे, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च का, और खूब सारी ली मैंने यहाँ पर देगी मिर्च। तो ये चले गए सारे मसाले इसमें। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला देंगे हम। मसालों को भी बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे हम। यहाँ पर 1.5 चम्मच मिलाएंगे हम जीरा पाउडर, इसे भी अच्छी तरह से मिला दें। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन रही है। तो देखिए, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो प्याज हमने फ्राई किया था उसका पेस्ट, थोड़ा सा पानी डालकर सारा पेस्ट निकाल लें। और अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और अच्छी से भून लेंगे इसे। प्याज को हम बहुत अच्छी तरह से भून रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया प्याज इसमें, और ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी मैरिनेट की हुई चॉप, तो सारी सोया चॉप इसमें डाल दें। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, सच मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जब आप इसे अपने घर पर अपने हाथों से बनाएंगे ना, तो आप बाहर की खाना भूल जाएंगे। और यहाँ पर अब मिलाया मैंने गरम मसाला, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालकर इसे पकाएंगे 5 से 7 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो अब इसे अच्छी तरह से मिला लें आप और ढक्कन लगाकर इसे पका लें 5 से 7 मिनट। तो हमारी ग्रेवी सोया चाप बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक डिश में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें। तो मैं आपसे मिलूँगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय।